वबरकातुहु। टेस्टी फूड विद मरियम में आपकी मेज़बान मरियम हाज़िर खिदमत है। आज हम लेंटिल वेजिटेबल सूप बनाएंगे जो कि वेट लूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल है और वैसे भी बड़ा टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि मैंने फ्रीज किए हुए थे, इनका छिलका उतार के, तो ये देखें बिल्कुल ऐसे नरम हो गए, ये इस तरह हो जाए, या ये है कि इसका छिलका उतार के आप इसकी प्यूरी बना लें तो वो यूज़ हो जाए तो फिर वैसे भी ठीक है। दाल माश 200 ग्राम, दाल मसर की दाल ये भी 200 ग्राम, मीडियम साइज़ का ये शिमला मिर्च ली है ग्रीन कलर की, इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ऐसे ही रेड कलर की शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ में, इसको चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और यहाँ पर गाजरें जो हैं ये वाली अवेलेबल होती हैं, एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है और 2 टेबलस्पून के करीब ये बटर है। सॉल्ट जो है अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने इसमें ये कॉर्न की क्यूब एक डालेंगे, इसलिए सॉल्ट जो है ना वो अपने टेस्ट थोड़ा कम डालें, कॉर्न की क्यूब में भी सॉल्ट होता है। और ब्लैक पेपर डालेंगे, ये भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा या कम कर सकते हैं। चले तो अब हम अपना बनाते हैं, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, इस पर आग चलाएंगे और जो ये बटर है तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये हम डालेंगे। हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप किए, थोड़ा सा बस ऐसे 5 मिनट के लिए ताकि प्याज का जो अलग सा टेस्ट है ना वो ना आए। साथ ही हम इसमें गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे रेड कलर की, ग्रीन शिमला मिर्च डालेंगे। वेजिटेबल आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई पसंद है तो वो भी डाली जा सकती है। इसमें ये टमाटर डाल देंगे और किनोआ की क्यूब डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि सब्जियां जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा बन जाए। तो फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं, अब हम देखते हैं ये देखिए हमारे जो टमाटर थे वो भी उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है और ये हम भुनेंगे। इस स्टेज में हम अपना नमक और काली मिर्च डालेंगे, ये आप अपने हिसाब से थोड़ा ये ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाला है और 1/2 टीस्पून जो है वो हम सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमने इसमें किनोआ की क्यूब डाली हुई है। अगर किनोआ की क्यूब ना डालें फिर सॉल्ट आप इसमें ज़्यादा डालेंगे अपने हिसाब से, जितना आप यूज़ करते हैं, अगर कम यूज़ करते हैं तो कम डालेंगे, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा डालेंगे। ये देखें अब इसको हम अच्छी तरह जो है ना सब्जियों को ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, इसमें अब हमारा हल्का हल्का सा पानी है अभी, तो पानी जब ख़त्म होगा फिर इसमें हम दालें डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए हमारे वेजिटेबल्स और टमाटर वगैरह जो थे इनका पानी ड्राई हो गया है, इसको हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। जिस ड्यूरेशन में हम निकाल रहे हैं उतने में हम जो आग है उसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमने अलग से इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसी पतीली में अपनी दालें डालेंगे, आग फिर लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो हमारी दालें हैं वो नीचे ना जाएं। ये
इसमें डाली हमने, साथ ही इसके हम 1/4 टीस्पून ये देखें इतना सा सॉल्ट डालेंगे और इसी तरह 1/4 टीस्पून से भी ज़रा कम हम ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी वेजिटेबल्स वाले में किया है तो उसमें हल्का सा वो था तो ये जो सा ना नीचे नहीं लगने। 5 से 7 मिनट इसी तरह हम मिलाएंगे और फिर उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। ये हो गई है, इसमें हमने पानी के 2 ग्लास तकरीबन डाले हैं। जब ये बन जाएंगी फिर देखेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो और पानी डाल देंगे, अपने हिसाब से इसको पतला या किया जा सकता है। इसको अब हम लो फ्लेम में रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल तकरीबन गल गई हैं दोनों। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई और दाल आपको ज़्यादा पसंद है तो वो भी डाली जा सकती है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है ये वाली दालें डालनी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, हल्का सा ज़रा ठंडा होगा तो इसको हम जो है ना ब्लाइंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो गई है, चाहे तो आप इसको जग में डाल के भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। हम इसको हम अगेन चूल्हे पे रख देंगे। ये देखिए अब हमने इसको दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है और ये थोड़ा सा बॉइल आएगा इसमें तो हम इसमें अपने वेजिटेबल्स डाल लेंगे। वेजिटेबल में भी अगर आपको कोई और वेजिटेबल भी पसंद है तो वो भी ऐड की जा सकती है। वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसको 5 मिनट लो फ्लेम में फिर से रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जो है ये लेमन सूप और लेट्यूस रेडी हो गया है। इसको हम नीचे से इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूप रेडी है जो कि बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अभी आप इसको बनाइए और सर्व कीजिए। वेट लूज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको दिन में एक टाइम जो सा ना वो पिएं और 30 डेज़ आप इसको यूज़ करके देखें और उसके बाद फिर इसके दरमियान में आपने कार्बोहाइड्रेट्स और जो शुगर है ना वो नहीं लेनी। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं ऐसी ही मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपियाँ और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँ। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।